अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मेरा मोस्ट अफोर्डेबल ब्रशेस इन पाकिस्तान। आईज एंड फेस ब्रशेस हैं ये, जैसा कि आपको मेरा टाइटल से भी पता लग रहा है। ये ब्रशेस जो हैं आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है लोकली, ये ऑनलाइन आपको मिलेंगे। मैंने इंस्टाग्राम के जिस पेज से ये लिए थे, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगी। इनकी प्राइस, इसका फुल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये फेस और आइज ब्रशेज हैं, एक्चुअली ये किसी ब्रांड के नहीं हैं, इनको लोकली आई डोंट नो कोई कंपनी जो है बना रही है। ये एक Alibaba.com जो वेबसाइट है इंटरनेशनली, वो उस पर भी मिलते हैं, अवेलेबल हैं, और आमतौर से लोकल पेजेस पे भी हमें मिल जाएंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। मैं इस वीडियो में आपके साथ इसका पूरा रिव्यू शेयर करूँगी, आपको इसके यूजेस के तरीके, इसका थोड़ा सा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट आपके साथ एंड में शेयर करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे लाइक देना है मेरी वीडियोस को, अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो बदले में मुझे लाइक और कमेंट करना है। इससे मेरा हौसला अफजाई रहेगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये मुझे मिले हैं 699 के, और 160 पड़े थे मुझे डिलीवरी चार्जेस, तो टोटल हो गए 860। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं, इतने ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है। 860 में आपको फेस और आइज ब्रशेस दोनों मिल रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप इनके इंस्टाग्राम पेज से जो है ले सकते हो। इसकी पैकिंग की बात कर लेते हैं, तो मुझे इसी तरह के सिंपल पैक में ये मिले थे, क्योंकि लोकल हैं, कि भी ब्रांडेड नहीं हैं और इतने हाई बजट भी नहीं हैं। मैं इनकी आपको लाइक दिस, नॉट बैड, इतने बुरे नहीं हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसमें ब्लैक कलर भी था, लेकिन मैंने वाइट ही हुडी प्रेफर किया, आप ब्लैक भी मंगवा सकते हो। वन सेकेंड, मैं इनके सब ये भी रिमूव कर दूँ। मैंने इनको तकरीबन 2 हफ्ते पहले मंगवा लिया था, लेकिन मैं इसको अच्छे से टेस्ट कर रही थी कि इनके सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है इसको यूज़ किया है, अपने यूज़ में लाई हूँ सब ब्रशेज़ को, तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ये इस तरह की सिंपल सी पैकिंग, इनकी सिंपल सी जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी हार्ड है, टूटने में इजी से टूट नहीं सकता। आई थिंक लकड़ी से ही बना हुआ है, अगर ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो मे बी टूट जाए, लेकिन नहीं टूट रहा। चलें, और इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी, कोई ब्रांड नेम कुछ भी, ये लोकली ही बन रहे हैं। और धड़ाधड़ जो है ऑनलाइन आजकल इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये पाकिस्तान में, इंडिया में, आई थिंक इंटरनेशनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अवेलेबल है। Alibaba.com एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट भी इनको ऑर्डर कर सकते हो, और आम पेजेस से भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इनके फेस ब्रशेस जो हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसके दो कबूकी ब्रश हैं, फाउंडेशन मींस दो फाउंडेशन ब्रश हैं। इनके ब्रिसल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड और स्ट्रेट हैं, आगे से फ्लफ़ी नहीं हैं, मींस आपके फाउंडेशन अप्लाई करने के काम आएंगे। देन ये ब्रश जो है आप ब्लशन यूज़ कर सकते हो इससे, देन इससे आप पाउडर यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, इनर कॉर्नर्स में ईजी रहेगा इसे पाउडर अप्लाई करना, ये लूज़ पाउडर, और इसके आप कंटोरिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो या ब्लशन, आपकी मर्जी है। तो ये 5 इसके जो हैं फेस ब्रशेज हैं। लाइक ये जिसका काबूकी ब्रश है, ये फाउंडेशन ब्रश जो, इससे मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। लाइक इसको मैंने खुद 2 हफ्ते तक जो है मुसलसल काफ़ी दिन तक इसको यूज़ किया है। लाइक मेरा ये जो ब्रशेज़ के साथ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले आज तक यानी फेस ब्रशेज़ मेरे पास नहीं थे, ये मैंने फ़र्स्ट बाय किए हैं, और मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहा है गर्ल्स इसके फेस ब्रशेज़ का। लाइक आपके फाउंडेशन को ये बहुत ही फिनिश, फ्लॉलेस फिनिश देते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले जो है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती थी, तो उस पर भी मैंने रिव्यू किया है ब्यूटी ब्लेंडर को, अगर आप डैम करके गीला करके जो यूज़ करेंगे तो आपका फाउंडेशन जो है बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, पैचे नहीं होगा। खैर, ये उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो इस ब्रश से क्या फ़ायदा रहता है कि ये आपके फाउंडेशन को जो है बहुत ही ज़बरदस्त फोटो फिनिश देता है, और बिल्कुल भी उसको ड्राई नहीं करता, इवन अप्लाई होने पूरी एप्लीकेशन के बाद भी जो आपका फेस है, फाउंडेशन है, वो अपनी नेचुरल हालत में शाइनी ग्लोवी स्किन रहती है। लाइक आप मेरे हाथ पे भी अभी चेक कर सकते हो, अगर यही मैं
डायरेक्ट हम ब्यूटी ब्लेंडर इसको यूज़ करें तो एक तो ज़्यादा सारी प्रोडक्ट जो है ब्यूटी ब्लेंडर ले लेता है, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ। आप फर्स्ट जो है अपनी फिंगर से अप्लाई करो, देन आप ब्रश से अप्लाई करो, और उसके बाद जो है हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर से डैम्प कर लो अच्छे से, ताकि वो आपकी स्किन में मेल्ट हो जाए। लेकिन हाली अकेले अगर आप ये ब्रश भी यूज़ करोगे तो इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटी ब्लेंडर। और एक ये इसका प्लस पॉइंट है कि थोड़ी सी मिकदार जो है आपके पूरे फेस के लिए काफ़ी रहेगी, और उसको नेचुरल लुक ज़्यादा से ज़्यादा ये देता है फेस को। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। ये ब्रशेज़ जो है मैं इन सबको 10/10 दूंगी। ये टाइटली पैक्ड हैं, इनमें काफ़ी ब्रिसल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हैं, अच्छे हैं। ये फेस ब्रशेज़ जो हैं इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं। जो थोड़ा सा लोचा हुआ है वो इनके आइस ब्रशेस में है, मैं इस तरफ भी आती हूँ। लेकिन अगर आपको ये सेट लेना है तो मैं फेस ब्रशेस के लिए 10/10 दूंगी। ज़बरदस्त हैं सब रिज़ल्ट में काम करने में, इनको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो चलिए अब हम इनके साथ जो है इसके आइस ब्रशेस उसके बाद कर लेते हैं। इसकी आइस ब्रशेस में जो है कोई भी फ्लैट, कोई भी आईलाइनर कुछ भी नहीं है, सब उन्होंने जो है फ्लफ़ी टाइप सर्कल राउंड शेप में सब ब्रशेस दिए हैं। नॉट बैड, चीटिंग के लिए भी थोड़ी सी अकल की ज़रूरत होती है। खैर, जिन्होंने भी बनाए हैं उन्होंने बस ये देखा कि ये राउंड शेप, राउंड 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 अगेन राउंड, यानी ये जो इनका ये है ये सर्कुलर शेप, राउंड शेप गोल में होना चाहिए, बस ये देख के उन्होंने 5-6 सेम तकरीबन बना दिए। वही बात के चीटिंग तो उन्होंने कर ली, थोड़ा सा उन्होंने मुझे लगता है गड़बड़ की है, इतनी ज़्यादा नहीं की। मींस आई मीन के मैं बहुत ज़्यादा आईज़ मेकअप करती हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इन्हें यूज़ करने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल आया। लेकिन मैंने उसका भी हल निकाला है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो ये इन्होंने सबसे पहली गलती की कि ब्रिसल्स की मिकदार जो है बहुत कम है, यानी ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है। ओके, ये जो इसके 5 ब्रशेस हैं, इसमें फर्स्ट वाला जो है ये तो पेंसिल ब्रश है, इसका कोई मसला नहीं है, ये ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। ये जो 4 ब्रशेस हैं आप देख सकते हो कि चारों के तकरीबन ये जो है नीचे से ये सेम है, और ऊपर से थोड़ी बहुत जो है उनके शेप्स जो है डिफरेंट कर दी हैं। आप अच्छे से देख लो, इस फ्रंट वाले ब्रश की तरफ आते हैं। इसकी शेप आप देखो, ये है तो फ्लफ़ी, लेकिन अब इसकी शेप देखो, अभी तुक्की है, कोई इसका यानी तुक नहीं बनता। अगर इनको चाहिए था कि थोड़ा सा जैसे इधर से इन्होंने इसको नीचे की तरफ ट्रायंगल टाइप इसको सॉरी एंगल इसका दिया है, इधर से भी थोड़ा सा इसको ये ट्रिम कर देते तो एक ये शेप आप मेरी फ्लफ़ी ब्रश की देख सकते हो मेरे उस वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया है कि फ़्लफ़ी ब्रश कैसा होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ है। देन ये टेंस ब्रश है, ये तो आईज पे कंट्रोल ही नहीं होता इसका, मीन्स ये बिल्कुल स्ट्रेट है सब। आप इसको नोज़ की ब्लेंडिंग के लिए, कंटूर की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये सबसे फजूल तरीन ब्रश लगा है मुझे इसका, इसका कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, बस आई डोंट नो ये क्या है, ये किसी काम का नहीं है मेरे लिए, मे भी आपके लिए वर्क कर जाए। देन ये थोड़ा सा जो है मुझे इसका वर्केबल लगा है, थोड़ा सा मींस चलो गुजारा करना है। ये थोड़ा सा इसमें अगर ये नीचे से और इसको टाइटली पैक्ड कर देते, थोड़ा सा इसका ये वाया नीचे से और कम करते, ये इसको ब्रिसल्स और ज़्यादा भरते इसके अंदर, तो ऊपर से थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता। तो इसका मैंने बहुत सोच सोच के एक हल निकाला है। मैंने एक धागा लेकर अपना दिमाग लड़ाया है, मैंने इसको अगर हम इसके आर्म को मेरी वीडियो नज़र आ रही है, इसको हम बिल्कुल एंड से जो है अच्छे से अगर इसको टाइट करें, यू कैन सी द डिफरेंस। यस, आप चेक कर सकते हो कि एक तो अंदर से खाली कितना है, इसमें अभी वो और भी ब्रशेस भर सकते थे या इसका वाया कम कर देते फिर भी ये ब्रश जो है वर्क कर सकता था। खैर, हम इसको इस तरह पैक करके इसको अच्छे से इसको यहाँ से कट कर देते हैं।
थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लग रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा सा वर्क कर सकता है, लाइक आपकी क्रीज में ब्लेंड करने के लिए। ये मैंने अपना जुगाड़ लगाया है, आप ना भी लगाओ तो आप, अगर आपके साथ ऐसे ही ये काम कर जाए अपनी आंख पर, मैं भी आपको अपनी आईज़ मेकअप, एक आंख मेकअप जो है हल्का फुल्का सा इनसे करके दिखा सकती हूँ। ये काफ़ी अच्छा ब्रश है, इसकी लाइक फ्लफीनेस ज़्यादा है, लेकिन इसको भी अगर इसी तरह थोड़ा सा हम पैक कर लें धागे से, इसी तरह नीचे से टाइट, तो और ज़्यादा इसका वर्क अच्छा हो जाएगा। यू कैन सी इसके अंदर कितनी ज़्यादा भी स्पेस है, यानी मैंने कंजूसी किया है थोड़ा सा ये बनने में। खैर वो भी ठीक है, इतने कम प्राइस में जो है वो इतने ज़्यादा ब्रशेस हमें दे रहे हैं, इट्स ओके। और इसकी शेप भी थोड़ा सा इधर से भी इसको ट्रिम करते तो ये हमारी क्रीज पे ज़्यादा कंट्रोलेबल रहता, इतना कंट्रोल नहीं रहता, थोड़ा सा आंख का जो है मेकअप वो बाहर बाहर ऐसे फील होता है कि ज़्यादा फैल रहा है। थोड़ा सा इधर से ट्रिम अगर मैं खुद कर दूँ अपने सीज़र से, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ख़राब ना हो जाए। खैर मैं ट्राई करके देखती हूँ। ओके, मैं इसका जो स्ट्रेट वाला ब्लेंडिंग ब्रश था जो आगे से ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं है, जस्ट उससे एप्लीकेशन कर रही हूँ अपनी क्रीज़ में। अपना शेड जो है लाइटर ब्राउन शेड जो है मैंने लिया है उसको अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद जिस ब्रश को मैंने पैक किया था नीचे से फ्लफ़ी बनाया था उसकी मदद से मैं इसको क्रीज़ में अपने अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी सारे कलर को। दरअसल मैं यहाँ पे कोई अच्छे वाला आईज मेकअप नहीं कर रही, बस आपको यही शो करवाना मेरा मकसद है कि ये ब्रशेस ब्लेंडिंग में काम करते हैं या नहीं। तो इन्होंने अच्छा क्रीज में ब्लेंड किया है थोड़ा सा मेरा जुगाड़ लगाने के बाद। वैसे भी ये ब्लेंड कर देता लेकिन उसका जो कॉर्नर था वो कटिंग करना ज़रूरी था, उसकी वजह से क्रीज से अबव सारी इसकी ब्लेंडिंग जा रही थी। इसके बाद मैं फ्लैट ब्रश से जो है थोड़ा डार्कर शेड अपनी लिड पर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। फ्लैट ब्रश आपको लोकली कैसे मिल जाएंगे वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। अगेन मैं ब्लेंडिंग ब्रश लेकर उसको अपनी क्रीज में अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी क्रीज बाकी ना रहे। इसके बाद मैं अपने आई कॉर्नर पर फ्लैट ब्रश से जो है ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ और देन फिर ब्लेंडिंग ब्रश से ही मैं इसको ब्लेंड करूँगी। मकसद मेरा वही सिर्फ आपको दिखाना है कि इसके ब्लेंडिंग ब्रशेस जो हैं वर्क कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वर्क नहीं करते, बस थोड़ा सा उन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग में उसकी शेप में थोड़ा सा गड़बड़ की है। हेयर मैंने उसको धागे से नीचे से अच्छे से पैक किया है तो वो आगे से थोड़ा फ्लफ़ी हो गए हैं और उनके ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। लाइक जो पहले मैं यूज़ करती थी तो मेरे इतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी जितना आज मेरा ये इसको करने के बाद, इसको धागे के साथ नीचे से रैप करने के बाद ब्लेंडिंग हो रही है, क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग पावर जो है आगे से फ्लफीनेस ज़्यादा हो गया है। गर्ल्स अगर आपको मेरी एक ही बात से बार बार बोर हो रही हो तो सॉरी, मैं इसीलिए अपना ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ बिकॉज अक्सर गर्ल्स ने मेरे से पूछा था हम ये ले लें सेट, तो इसीलिए मैं अगर ऐसे ही जल्दी से आपको रेकमेंड कर देती आप ले लेते और बाद में आप मुझे कह रहे होते कि ये तो हमारी ये सही ब्लेंडिंग नहीं हो रही हमारे से, तो मैंने ये ब्लेंडिंग के ही थोड़े से पॉइंट्स जो हैं आपके साथ शेयर करने थे कि इसके ब्लेंडिंग ब्रशेज आइज़ में थोड़ा सा गड़बड़ है जो कि ठीक हो सकता है आपकी थोड़ी सी एफर्ट से, नॉट अ बिग डील। अगर आप कहें तो मैं कोई और इसे बेटर आइज़ ब्रशेस, ये तो इसमें फेस भी हैं तो इस वजह से ये ओके है, लेकिन मैं इसके अलावा कोई और फेस ब्रशेस जो हैं आइज़ ब्रशेस, आई ब्लेंडिंग ब्रशेस जो आइज़ पर वर्क करें वो ढूंढूंगी, देन उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। गर्ल्स आप देख सकते हो कि अच्छी खासी मेरी आइज़ पे स्मोकी लुक जो है क्रिएट हो गया है, स्मोकी इफ़ेक्ट आया है अच्छा खासा, आई लव इट। आज मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, खैर इनसे पहले बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे ब्रशेस, लेकिन आज अच्छे लगे हैं और आपको भी रेकमेंड करूँगी आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि कोई और आइज़ ब्रशेस भी ढूंढ कर जो हमें लोकली तो नहीं मिलेंगे, आपको पहले बता चुकी हूँ, कोई किसी पेज से ही अफोर्डेबल रेंज में जो है मिल जाए, तो देन मैं आपके साथ उनका रिव्यू शेयर करूँगी। ओके गर्ल्स, ये था मेरा रिव्यू इन ब्रशेस के बारे में, मेरा फाइनल थॉट्स यही है, आप डेफिनेटली ये बाय कर लो। मैंने आईज़ मेकअप में जो थोड़ा सा लोचा था जो मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैंने आपको वीडियो में करके दिखा दिया है, अच्छा खासा मेरे से ये कंट्रोल हो गया है, इन्होंने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड किया है और इनकी पैकेजिंग भी काफ़ी नाइस है। और इतने पैसों में एक्चुअली हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हमें कोई और ब्रशेज़ मिल रहे हों, आप किसी भी इन्हें जार में मग में अपने जो है
ड्रेसिंग टेबल पर रख सकती हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये रखे हुए। तो टोटली मेरी तरफ से यस है, आप ले सकते हो बिंदास होके, जो है लो ये ब्रशेस अगर आपको ज़रूरत है लेने की। ओके गर्ल्स, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, मेरे ये जुगाड़ अच्छे लगे हों जो मैंने खुद से लगाए हैं, ये आप भी लगा सकते हो, बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा गर्ल्स। मैंने इसीलिए इसका रिव्यू थोड़ा लेट हो गया क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनके आइस ब्रशेस को कंट्रोल कैसे करूं, तो ये मैंने काफ़ी सोचने के बाद इनका हल निकाला है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी फेस ब्रशेस जो है 10/10 हैं। ओके गर्ल्स, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गर्ल्स।